Bro, आज लिक्विड कूलिंग वाला फोन आया, देख चिकन डिनर। लिक्विड कूलिंग? अरे भैया जी वो क्या है? Bro, पोगो देख। ओपन 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 ओ। तो अगर आप भी परेशान हैं कि ये लिक्विड कूलिंग क्या है और पबजी जैसी गेम्स में इसका क्या इफेक्ट है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और स्वागत है आपका टेक्सप्लेनेशन में। तो जब हम लिक्विड कूलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? पीसीज। क्योंकि पीसीज में एक्सटेंसिव एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उसमें फैंस लगे होते हैं और इवन लैपटॉप्स में भी फैन होते हैं। बट अगर हम फोन में फैंस लगाएंगे तो फिर तो फोन्स नहीं रहे ना। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं फोन्स में कि हमारे जो हीट होती है फोन की वो हम इधर उधर फैला सके और फोन को ठंडा रख सके। सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड जो ऑलमोस्ट हर एक फोन यूज करता है, एयर कूलिंग। एयर कूलिंग में क्या रहता है, आपके प्रोसेसर के ऊपर एक हल्की सी पेस्ट लगाई होती है जिसकी वजह से क्या होता है वो हीट जो है बाहर निकलती रहती है उस पेस्ट के थ्रू और वो एयर से कूल हो जाती है। मतलब वो पूरे फोन के बैक में फैल जाएगी और आपको फील होता होगा जब आप खेलते हैं तो आपका बैक हीटअप हो जाता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि हीट डिसिपेट होती है, हीट पूरे फोन में फैलती है और आपका प्रोसेसर ठंडा रहता है। ये था एक। ओके, तो हम नंबर दो पे आते हैं। नंबर दो क्या है हमारा? लिक्विड कूलिंग। अब ये मुद्दे की बात है क्योंकि यही जो चीज़ है हमारी वो हमें हेल्प करेगी प्रोसेसर को जल्दी ठंडा रखने में और पबजी जैसी गेम्स आप आराम से खेल सकते हैं। वो लिक्विड जब भी प्रोसेसर के पास पहुंचता है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी हीटअप हो गया होता है, तो उससे क्या होता है वो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और जब वो इवेपोरेट होगा तो वो हीट सारी ही ले जाएगा साथ में अपने और जाके वो ठंडे हिस्से में चल जाएगा फोन। आपके बारिश कैसे होती है? बारिश ऐसे होती है कि हमारा पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाके जब ठंडा होता है बारिश हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो पानी इवेपोरेट होकर ठंडे पार्ट में जाता है वो वापस लिक्विड बन जाता है और हीट फैला देता है पूरे फोन में, और इससे हमारी जो हीट डिसिपेशन होती है, जो हीट फैलती है फोन में, वो बहुत जल्दी होती है। हमारा प्रोसेसर ठंडा रहता है, प्रोसेसर ठंडा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। यही साइकिल बार बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड कूलिंग। इसके लिए मेन एक पॉइंट क्या रहता है कि जो हमारा सरफेस एरिया होना चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी बेटर कूलिंग होगी। आई थिंक नोट 9 में तो आपको काफी बड़ी पाइप मिल जाती है, अभी दिख गया होगा आपको इसके बाद। और पोकोफोन में आपको छोटी मोटी मिल जाती है, ये भी देख ली होगी आपने। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये लिक्विड कूलिंग वाले फोन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। रेजर फोन, शॉमी का आया था ब्लैक शार्क, ऐसे फोन्स आपको काफी मार्केट में मिल जाएंगे जो गेमिंग एडवर्टाइज करेंगे और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड कूलिंग है क्या। हालांकि एक बिल्कुल ब्रीफ सा आपको मैंने बताया था, बट एक नॉर्मल आइडिया आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार।